हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हो चुका है 12 अप्रैल शुक्रवार। आज की बड़ी खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट और बड़ी खबरें जो कि आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें मिलने वाली है। कुछ नई योजनाएं, कुछ नई घोषणाएं, कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी, चाहे मोदी सरकार, बीजेपी सभा या फिर डीएमके या कांग्रेस सरकार की घोषणाएं हो, सभी जानकारियां इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले एजुकेशन इंडिया पर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और जो साइड में घंटी का निशान यानी कि बेल आइकन आएगा उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आप देख सकेंगे रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले और रोज की बड़ी अपडेट्स योजनाएं सबसे पहले। इससे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा यानी कि शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत आपके लाइक और शेयर पर ही डिपेंडेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले वाला सवाल कुछ इस प्रकार का था कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है। दोस्तों, इसमें आपका आंसर था झारखंड का ही आंसर आए, सारे के सारे आंसर गलत थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा बताया गया था। उसका स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, सारे के सारे ऑप्शन गलत थे। लेकिन दोस्तों, आज के सवाल का सही जवाब ज़रूर दे दीजिएगा। आज का सवाल कुछ इस प्रकार का है कि आपके सामने। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा, छवां, नौवां या आठवां। इन चारों में से आपको एक जवाब दे देना होगा। जो भी सही जवाब होता है वो आपको अगले वीडियो में और उसके साथ ही विनर्स के नाम और उनका फोटो हमारे वीडियो में आएगा। इसलिए आज के सवाल का सही जवाब जरूर दीजिएगा, पिछले सवाल की तरह मत कीजिएगा कि आंसर सही एक भी नहीं आए। इसका सही आंसर आपको जरूर कमेंट में देना। सीधे बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बता दे, राहुल गांधी की जान को खतरा, मामले में नया मोड़, कांग्रेस ने कहा हमने कोई पत्र नहीं लिखा। दोस्तों, कुछ देर पहले एक अपडेट निकल के आई थी तो आपको बता दें, उसमें बताया जा रहा था कि राहुल गांधी की ऊपर खतरा हुआ है, राहुल गांधी के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा है और हमला होने की बताई जा रही थी, जिसमें बताया गया था कि लेज़र बीम उन पर आई और 7 से 8 बार उनके ऊपर लेज़र बीम गिराई गई, जिससे बताया जा रहा था कि उनको अमेठी में बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन अब इससे लेकर एक नया मोड़ आया है तो वो आपको बता दें। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जान को खतरा मामले नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा बताने वाला उसने कोई पत्र गृह मंत्रालय को नहीं और न ही इसके बारे में उसने शिकायत की है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस की तरफ से उसे इस तरह का कोई पत्र नहीं मिला है। दरअसल मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस कथित पत्र के मुताबिक राहुल जब बुधवार को अमेठी में थे तो उस दौरान थोड़े समय के अंतराल में उनके सिर पर और चेहरे के आसपास 7 बार हरे रंग की लेजर बीम दिखाई दी। पत्र में आशंका जाहिर की गई यह लेजर बीम स्नाइपर राइफल की हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी और बताया जा रहा था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये एकदम बिल्कुल अफवाह है, ये फेक न्यूज है। तो सीधे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, ये एक बहुत ही बड़ा चुनाव आयोग का फैसला देखने को मिला है, जिसमें कई चीज की जानकारी चुनाव आयोग मांग रहा है और साथ ही आपको बता दें चुनाव आयोग ने कुछ चीज़ों पर रोक भी लगा दी। जैसे कि आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल जो फिल्म थी, एक पिक्चर थी, उसे जारी किया जाना था, उसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और वो पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म अब रुकी हुई रहेगी और कुछ महीनों तक कह सकते हैं, क्योंकि जब तक चुनाव की शपथ ग्रहण नहीं हो जाती तब तक ये रुका हुआ रहेगा। तो दूसरी बड़ी बात बता दूँ, नमो टीवी जो प्रसारण है उसको अभी बंद कर दिया गया है चुनाव के दौरान और साथ ही बालाकोट हमले में उनके द्वारा जो भी कहा गया उसकी पूरी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है चुनाव आयोग द्वारा श्रीमान नरेंद्र मोदी से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सीधे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आप देख सके भर्तियों और योजनाओं से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले।
तो दोस्तों तीसरी बड़ी खबर आपको बता दे, एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ने का निकाला प्लान, वोल्टी के लिए एरिक्सन नोकिया से मिला है हाथ। दोस्तों आपको बता दें, एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ने के लिए स्वीडन कंपनी जो कि एरिक्सन है उससे हाथ मिला लिया है, उसके साथ समझौता कर लिया है और वोल्टी यानी कि जो डेटा स्पीड है उसको तेज करने के साथ ही आईपी कॉलिंग सिस्टम को भी तेज किया जा रहा है और ये सब हो रहा है एरिक्सन कंपनी जो कि स्वीडन की कंपनी है उसके साथ मिलकर। तो ये बड़ी अपडेट आई थी जो कि जियो के यूजर्स और एयरटेल के यूजर्स दोनों को जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये आपके लिए जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाली है और इससे आपका खासा रुपया भी बच सकता है। तो सीधे बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों चौथी बड़ी खबर आपको बता दें, 500 रुपये से ज़्यादा कैश होने पर आप भी दायर कर सकते हैं दिवाला याचिका। यानी कि दोस्तों अगर आपने देखा ही होगा कि कहीं कहीं जो बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें दिवालिया घोषित किया जाता है और जिसके तहत पता जाता है कि इन्होंने अपना कर्ज नहीं चुका है और इतना कर्ज है। लेकिन अब आपको बता दें, कोई भी आदमी जिसके पास जिससे आपको 500 रुपये लेने हो लेकिन वो नहीं दे रहा हो आपको, तो आप उसको दिवालिया घोषित कर सकते हो और आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप्स की जानकारी आपको अगले वीडियो में एकदम संपूर्ण प्रक्रिया देखने को मिलेगी, कैसे क्या आपको करना होगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सीधे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, खुशखबरी है, भारतीय आसानी से कर सकेंगे कनाडा में नौकरी, बनाई गई है योजना। तो आपको बता दें, इस योजना के तहत नौकरी देने वाले नियोक्ताओं द्वारा दाखिल आवेदनों को महज 2 सप्ताह में निपटाया जाएगा। इसका अतिरिक्त फायदा यह मिलेगा कि इन लोगों को GTS योजना के तहत नौकरियाँ मिलेगी। वे न सिर्फ कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस लेंगे बल्कि उन्हें एक्सपीरियंस एंटार्टिका के रूट के तहत स्थायी नागरिकता हासिल करने में प्राथमिकता भी मिलेगी। एक्सप्रेस एंट्री रूट एंड पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। कनाडा के इमिग्रेशन रिफ्यूजी और सिस्टम से यानी IRCC मंत्री अहमद हुसैन ने हाल में जारी बजट डॉक्यूमेंट में कहा, हम अपने ग्लोबल स्किल्स स्ट्रेटजी को जरिए दुनिया भर के बेहद उच्च कौशल रखने वाले लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और इसी वजह से आप कनाडा में अपनी नौकरी कर पाएंगे। और ये खुशखबरी है बेरोजगारों के लिए और उनके लिए जो कि इंग्लिश भी आती है और लैंग्वेज में अपना अच्छा प्रॉफिट देख सकेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों छठी बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान के दिन गया को विस्फोट से दहलाने की नक्सलियों की साजिश नाकाम, कई बम निष्क्रिय किए गए। गया में ये हमला करने की कोशिश की गई थी नक्सलियों द्वारा, लेकिन हमारे जवानों ने उसे कुछ भी आत नहीं दिया। अब किसकी यह थी नापाक हरकत, क्या पाकिस्तान की थी या फिर किसी अन्य देश की, चाहे वो चीन हो, ये हम नहीं जानते कि नक्सली आए थे और विस्फोट करके दिल दहलाने वाला विस्फोट करने की कोशिश की गई थी और जिसमें कई बम निष्क्रिय कर दिए गए हमारे सैनिकों द्वारा। ये अच्छी बात है, इसलिए सीधे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों सातवीं बड़ी खबर आपको बता दें, सिर्फ 72 रुपये में आधार कार्ड की मदद से आप भी बदलवा सकते हैं पैन कार्ड की डिटेल्स, इस तरह करना होगा आवेदन। तो पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो दोस्तों आपको बता दें, ऑनलाइन सर्विसेज NSDL.com पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी, आवेदक को फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे और बाय मार्जिन पर सही का निशान लगाना होगा। पैन कार्ड की प्रति, पैन आवंटन के पत्र के प्रति में से कोई एक दस्तावेज पैन के प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पैन के प्रमाण पत्र के लिए अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा। दोस्तों ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपका आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार के सातवीं बड़ी खबर थी। तो आठवीं बड़ी खबर के रूप में बात करेंगे एक नई बंपर भर्ती के बारे में। तो सीधे चलते हैं आठवीं बड़ी बंपर भर्ती की ओर। तो दोस्तों आज की बड़ी बंपर भर्ती निकली हुई है इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है लैंसडाउन एंड बिलासपुर आर्मी रैली, लास्ट डेट रहने वाली है 18/16/2019। और इस प्रकार की बड़ी बंपर भर्ती आई है। तो आपको बता दें, इंडियन आर्मी के अंदर यह निकला हुआ है और जिसमें आपको पोस्ट नेम 100,000 मल्टीपल पोस्ट देखने को मिलने वाली है और साथ ही आपको एज पर द नॉर्म सब ऑर्गेनाइजेशन मिलने वाली है, वो आपको देख लेना होगा क्योंकि इस प्रकार से देखने को मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी इन इंडिया। रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। तो दोस्तों एज लिमिट रहने वाली है 17 ईयर्स टू 21 ईयर्स। उसके बाद आपको बता दें
4 अप्रैल को इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद 18 मई को पूरे हो जाएंगे। और जो दूसरी निकली हुई है बिलासपुर में, वो भी सोल्जर के पद पर है और उसमें भी यही रहने वाली है। उसमें 8th, 10th और 12th के लिए पद देखने को मिलेंगे और उसमें 16 मई जो लास्ट डेट रहने वाली 2nd अप्रैल से शुरू हो चुके हैं फॉर्म भरने। इस प्रकार की बड़ी वैकेंसी जो कि आप तक जानकारी पहुँचाना हमारा कर्तव्य था तो हमने पहुँचा दिए। अब आपका कर्तव्य बनता है हमारे एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप देख सकेंगे रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद।